नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आप मान लीजिए यूएई में, दुबई में हैं, जी हाँ, आप बिजनेस भी कर रहे होंगे, आपका खुद का वहाँ पे पर्सनल जॉब होगा, या फिर बहुत सारे लेन देन से संबंधित हम बात करेंगे, चेक से रिलेटेड। मान लीजिए आप किसी से चेक ले लेते हैं या चेक किसी को दे देते हैं, उसी दोनों के दौरान अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो दुबई लेबर लॉ में आपकी क्या सज़ा हो सकती है, क्या दुबई लेबर लॉ बोलता है, क्या आपके लिए हेल्प करता है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, और भाई फेसबुक पेज वाले भी पेज को फॉलो कर लें। तो भाई मैं बता दूँ आपको कि मान लीजिए आपने किसी से चेक लिया या फिर दिया, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से बराबर रहेगा प्रोसेस। आपने किसी से 50,000 दराम का या फिर 10,000 दराम का आपने चेक लिया, और चेक का उन्होंने 15 दिन बाद की या एक महीने बाद की एडवांस में डेट डाल के आपको चेक पकड़ा दिया। उसके बाद में होता क्या कि आपने उस डेट पे चेक को क्लियर करवाने के लिए अकाउंट में लगाते हो तो चेक बाउंस हो जाता है। जी हाँ, यानी उस खाते में जिसने चेक दिया उसके खाते में आपका बैलेंस नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है। तो मैं बता दूँ दुबई में जो कानून बना है चेक से रिलेटेड, 1987 में ही कानून बन चुका था। जी हाँ साथियों, दुबई में 3 के अनुच्छेद धारा 104 में यह प्रावधान किया गया है कि चेक अगर बाउंस हो जाता है तो इसको अपराध की श्रेणी में माना गया। जी हाँ, इंडिया में इसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया है, दुबई में इसको अपराध की श्रेणी में माना गया है। आप मुकदमा भी पुलिस स्टेशन में करवा सकते हो, चेक बाउंस का मुकदमा इंडिया में नहीं होता। हाँ, कोर्ट में आप इसका वो करवा सकते हो, कोर्ट कार्रवाई चल जाती है, लेकिन दुबई में, यूएई में आप पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा करवा सकते हैं। जी हाँ, चेक गलत, आपको जैसे मान लीजिए गलत चेक दे दिया, चेक किसी दूसरे का दे दिया, सिग्नेचर सही नहीं किए, सिग्नेचर नकली सिग्नेचर कर दिए उसमें, आपको चेक दिया मतलब दूसरे अकाउंट का चेक दे दिया, जो अकाउंट उनका बंद था वो लेन देन करता ही नहीं है, या फिर जिस अकाउंट का चेक दिया उसमें बैलेंस नहीं है, ये रीजन हो जाते हैं, चेक बाउंस हो जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर आप सीधा सीधा लीगल एक्शन लेते हुए पुलिस स्टेशन में नियरेस्ट में आप मुकदमा करवा सकते हैं। दूसरी बता दूं कि आप मान लीजिए जहां अपने अपने आप अपने क्षेत्र में भी ये कोर्ट के माध्यम से मुकदमा कर सकते हैं रिकवरी के लिए, जो चेक का जो पैसा है उसको रिकवरी के लिए, ठीक है। या फिर जो बंदा जहां का है, मान लीजिए आप दुबई में है वो अबू धाबी का है, तो आप अबू धाबी में भी उसके खिलाफ मुकदमा करवा सकते हैं जहां है वहां जाकर के, या फिर जहां आपने उसको आप जहां रहते हैं वहां पर भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, सेम ये इंडिया में होता है, दोनों जगह है, इंडिया में भी ऐसा ही ऑप्शन होता है। हाँ, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप जैसे 50,000 दराम या 1,00,000 दराम आपकी उन्होंने चेक बाउंस करवा दिया तो उसने अपराध किया, गलत किया, तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन लेते हुए उसकी यात्रा प्रतिबंध आप करवा सकते हैं। जी हाँ, यानी उस पर बेले आप बैन लगवा सकते हैं, यात्रा विदेश यात्रा से संबंधित, कि वो विदेश जैसे मान लीजिए आप दूसरे देश नहीं जा सके और आपका पैसा आपको रिकवर हो जाए। इंडिया में ऐसा कानून नहीं है, हालांकि बड़े केसों में भी इंडिया में पैसे खा के विदेश में भाग गए, सरकार ने अभी ऐसा कुछ अभी जाके कुछ चेत हुई है सरकार, अब तक ऐसा ही चल रहा था, लेकिन यूएई में ऐसा है, छोटे से छोटा अमाउंट भी है तो आप उस पर यात्रा बैन का एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि वो विदेश से बाहर न भागे और आपका पैसा रिकवर हो जाए। तो आप समझ सकते हैं साथियों, रिकवरी के लिए आप कोर्ट का आपका रास्ता खुला है, पुलिस स्टेशन मुकदमा करवा सकते हैं, विदेश यात्रा की उसके ऊपर आप बैन लगा सकते हैं। इस तरह से चारों तरफ से सिकंजा कसा जाता है तो बंदा पैसा दे देता है। तो दुबई में इतना चेक बाउंस का इतना कोई लफड़ा नहीं होता भाई, इंडिया में लगभग 18 से 20 लाख के करीब चेक बाउंस के मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। जी हाँ, और कुछ नहीं होता इंडिया में, लेकिन यूएई का लेबर लॉ बड़ा ज़बरदस्त है चेक से रिलेटेड। तो आपको मेरे हिसाब से जानकारी अच्छी लगेगी, अगर आप भी ऐसा कोई लेन देन का काम करते हैं तो भाई ध्यान रखें, आपके साथ भी ऐसी अनहोनी घटना घट सकती है, तो इसको सचेत रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।